हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलकंद। गुलकंद बनाने के लिए मैं गुलाब का फूल ली हुई हूँ, ताज़ा फूल है। इसको अच्छे से धुलूंगी साफ करके, तो फिर मैं पानी में से निकालूंगी। ऐसे ही एक एक पत्तियाँ निकालूंगी। तो सारी पत्तियां निकल चुकी है, देखिए पानी भी नहीं लगा है। अब इसमें मैं 3 से 4 चम्मच चीनी डालूंगी, ज्यादा चीनी यूज नहीं करना है। उसको हाथ से मैं ऐसे ही करूंगी, मसलूंगी। इससे पेट भी सही रहता है। देखिए अच्छे से चीनी मिल चुका है। अभी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये सारी पत्तियां मैं डाल चुकी हूँ, मीडियम फ्लेम पे की हुई हूँ। ज्यादा समय नहीं लगता है, तो ऐसे ही चलाती रहूंगी। इस समय ठंडी का मौसम है, हर घर घर में गुलाब का फूल मिल जाएगा। तो अभी मैं उसमें 2 चम्मच सौंफ पाउडर डालूंगी, इससे पचने में सहायता मिलता है। सेहत से जुड़ा हुआ है ये गुलकंद। इलायची पाउडर मैं डालूंगी, वो ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें, नहीं डाल सकते हैं। इसे चला लेंगे। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच शहद डालूंगी। शहद भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत झटपट बनता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। ढकना नहीं है, ऐसे ही लगातार चलाते रहना है। मैं 4 से 5 गुलाब का बना रही हूँ। तो अभी मैं निकालूंगी एक बर्तन में, अच्छे से मैश हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुलकंद कितना जल्दी तैयार हुआ है। तो आज ही बनाएं गुलाब की पत्ती से गुलकंद।